यहाँ पे अच्छी चीज वैसे कितने रेट में बेचते हैं लोग, सोचते हैं कम मिले हमें अच्छी मिल, तो मिल जाएगी उनको 50 से। आप मान के चलो 55 से लेके 2 लाख तक मिलती है, 55,000 से लेके। दूध कितना रहता है समय? दूध जी ये मान के चलो 60-65 वाली के 12-13 लीटर दूध दे देगी। हाँ जी जी। 75 वाली 15 भी दे देगी। हाँ जी जी। टॉप टॉप नस्ल की जो है खूब आती है। अच्छा जी, ये देखिए चला करके दिखाएंगे आपको। स्वागत करता हूं जी आज की इस नई वीडियो के अंदर। आज हम आए हैं भादरा पशु मेले के अंदर। काफ़ी अच्छी अच्छी शानदार जो भैंसें आज यहां पे देखने को मिली है, और आज एक भैंस आपको दिखा रहे हैं जी, जो कि बोलते हैं इंडिया की सस्ती मंडी है भादरा की, सस्ती जानवर यहां पे मिलते हैं जी। आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे अच्छी भैंस दूध वाली, कम पैसे में और अच्छी दूध वाली भैंस आपको दिखाएंगे जी। अंकल जी राम राम। राम 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 राम। भादरा मेले में आए हो आप? कौन से गांव से हो जी आप? मैं आया खजवाड़े में, मान लो भादरा के अंदर ही। तो ये आपके पास भैंस है आपकी जी? कौन से ब्यांत के जी? तीसरे ब्यांत के। काफी बढ़िया बढ़िया अलग अलग 14 लीटर दूध बता रहे हैं जी इसका, 7 किलो एक टाइम का, तीसरे ब्यांत में जी। ये देख सकते काफी साफ सुथरी अडर की, अलग अलग क्वालिटी वाले जो थन है इसके लगे हुए जी। नीचे कटड़ी है। कितने दिन की ब्याई अंकल जी? 13 दिन की ब्याई हुई बस उतना। ये इसका रेट कितना है जी? 75,000 पूरे। 75 देने या कम ज़्यादा भी हो जी? 75 पूरा। पूरे 75,000 रुपये मांग रहे जी अंकल जी। और आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे पशु देखने को मिलते हैं जी। अगर आप पशु लेना चाहते हो तो आप दिए गए वीडियो के अंदर नंबर है हम पे आप संपर्क कर सकते हैं जी। 50 वाली भी यहाँ पे मिल जाएगी, 45 की मिल जाएगी जी। पशु मंडी में आपको एक से एक अच्छी अच्छी भैंसें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जी। काफ़ी बढ़िया मौका आपके लिए। हर रविवार को संडे के दिन ये मंडी लगती है जी भादरा राजस्थान के अंदर। अब राम भाई साहब कौन से ब्यांत की भैंस आपकी है? कितना किलो दूध है जी? 12 किलो खीस अभी। तीसरे ब्यांत की है, दूसरे की कितने दिन की ब्याई होगी जी? 3 दिन की ब्याई। तीसरे 3 दिन की ब्याई होगी जी। कितने पे देनी आपको? 1,15,000 रुपये सब जो रेट मांग रहे जी। ये क्या देखे जी, काफ़ी अच्छी भैंस यहाँ पे आई हुई है। ये राजस्थान की देसी भैंस भी हरियाणा में मुर्रा, राजस्थान की देसी बता रहे भाई साहब। ये भी मुर्रा है। 1,05,000 रुपये। कितना दूध देगी जी ये? 16 लीटर दूध की भैंस 1,05,000 रुपये। तीसरे ब्यांत की भाई साहब ने बताई है जी। देखिए देखिए जी कौन सा काम हुआ? मैं कल काबरेल का। ये आपके का? इनकी है। अंकल जी भैंस के डिटेल बताइयो। हाँ जी, कि कौन से ब्यांत की है? ये तीसरे। तीसरे ब्यांत की कितना दूध निकाल देगी जी? अब निकाला 13 किलो। 5 दिन की ब्याई है। 5 दिन की ब्याई में 13 लीटर दूध कितने में देंगे जी आपको? 80,000 रुपये रेट बता रहे जी। काफ़ी बढ़िया भैंस है। अगर आप पशु मेले से भैंस लेना चाहिए तो कभी भी आ सकते हैं जी, संडे के दिन, एतवार रविवार के दिन जो है राजस्थान के अंदर ये मंडी लगती है जी भादरा में। ये भाई साहब कौन से रोड पे है? अरे ओए रोड मेरा नंबर दे दीजिए नूर मालिक का वीडियो। आप रोड पर पड़ा है? आप पशु हर रविवार को आते हैं बेचने के लिए? हाँ बहुत पशु आते हैं रविवार को। ये मालिक आप खुद लेकर के आते हैं? ना ना अपना तो नोरा है जी पशु। आपकी मंडी डेयरी लगवाते हैं? हाँ मंडी, मंडी मालिक। अपने नंबर बता दीजिए आप। 88-755 88-721 भादरा तहसील हनुमान, तहसील भादरा डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ राजस्थान। कौन सी रोड पे पड़ती है मंडी आप? ये है जी भादरा सरसा बाईपास से 9 रोड के ऊपर है। इस हिसार से कितना किलोमीटर? हिसार से 60 किलोमीटर है।
यहाँ पे अच्छी अच्छी भैंसे कितने रेट में मिलते हैं? लोग सोचते हैं कम मिले हमें अच्छी भैंस मिल जाएगी उनको 50 वाली। आप मान के चलो 55 से लेके 2 लाख तक मिलती है, 55,000 से लेके। दूध कितना रहता है इन भैंसों में? दूध जी ये मान के चलो 60-65 वाली के 12-13 लीटर दूध दे देगी। हाँ जी जी। 75 वाली 15 भी दे देंगी। हाँ जी जी। टॉप टॉप नस्ल की जो है खूब आती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप कभी भी फोन कर सकते हैं आके? हाँ हाँ, कभी फोन करो, 24 घंटा उपलब्ध है सेवा। 5 भैंस ले, 10 भैंस ले, कितने भी ले, कितनी लोज है, कितनी आपका जो खर्चा पानी होगा वो 1,000 रुपए पर भैंस का है। गाड़ी लोडिंग करवा के देंगे आप? गाड़ी गुड़ी सब चीज मिल जाएगी पूरे ऑल इंडिया के लिए। दूध की गारंटी होगी आज आपके? हाँ दूध की गारंटी है वैसे। ये जी एक एक टाइम जो भी अपना, क्योंकि व्यापारी ज्यादा आते हैं, किसी को पसंद ना आए तो दूसरा व्यापारी भी धार मारता है, तो पूरा दूध जो खाली नहीं करने देंगे। आप पशु के क्वालिटी देख के, हेडर का साइज देख के अंदाजा लगा सकते हैं कितना दूध निकाल सकते हैं जी। काफी बढ़िया बढ़िया सेवा हो रही है आज पशुओं की यहाँ पे।